अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहा है? यहाँ पे मुर्गियों के अंडे ढूंढ रहा हूँ, अभी मुझे भूख लगी है बहुत ज्यादा, तो अभी मैं मुर्गियों के अंडे ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। यार ये भाई ऐसी घास में मुर्गियाँ कहाँ होती है, वो तो पेड़ों के ऊपर बैठती है। नहीं भाई, अंडे तो भाई नीचे देंगी, ऊपर से अंडा देंगी तो वो नीचे फूट नहीं जाएंगे। गाइस मुझे अभी जानवर तो नहीं मिला, पर यहाँ पे जिस जानवर ने यहाँ पे जो जंगली पशु और आदि जानवर छुपने से छोटे जानवर खाए हुए हैं, उनकी यहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी हड्डियाँ पड़ी हैं यहाँ पे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज फिर से मैं उसी जंगल में आ गया हूँ जिस जंगल में पिछले ब्लॉग में आया था, तो वहाँ पे मुझे एक बड़ा सा जानवर दिखाई दिया। नहीं, मैं नहीं मानता था, तो आज मैं वहाँ पे जाऊँगा। उस टाइम मैं बहुत डर चुका था कि वहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा जानवर दिखाई दिया था, तो मुझे वहाँ पे पता नहीं लगा कौन सा जानवर था वहाँ पे। तो अभी मैं आज उसकी तहकीकात करने इस जंगल में आया हूँ। फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जैसे आज मेरे साथ एक और बंदा है, तो अभी मुझे इतना डर नहीं लग रहा है, तो आज फिर मैं इस जंगल में सर्वाइव करूंगा और आपको बताऊंगा मैं कि वहां पे क्या था। और आज मुझे कुछ मिलता ही नहीं, तो मैं आज फिर से बहुत सारी कड़ी चुनौतियों का सामना करूंगा। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे को बताएं कि आपको मतलब किस टाइप की वीडियो चाहिए, जिस प्रकार की आप देखना चाहते हो, तो मैं उसी प्रकार का कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए। और प्लीज़ भाई वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखें, और प्लीज़ भाई जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अभी मैं उस जानवर को देखने जा रहा हूँ जो मुझे कल में दिखा था। तो वो सोया हुआ था उस टाइम, तो भी मैं देखूंगा वहाँ पे वो है कि नहीं, अगर होगा तो मैं आपको भी वो दिखाऊंगा जहाँ पे वो कौन सा जानवर है। तो चलो मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। तो गाइस यहाँ पे भी देख सकते हैं नहीं जो आपकी बड़े बड़ी बांसों के पेड़ हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे किस काम में आते हैं। तो गाइस यहाँ पे है वो खाई जिसमें वो बड़ा सा जानवर सोया हुआ था। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई यार? तो अभी मैं वहाँ पे चलूंगा कि वो जानवर यहाँ पे है सोया हुआ, तो अभी मुझे यहाँ से चुपके चुपके से जाना पड़ेगा, अपने पैरों की आवाज़ भी नहीं निकालना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पे होगा, अगर सोया होगा तो वो मेरी पैर की आवाज़ से जाग जाएगा, तो अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा चुप चुप और बिना आवाज़ किए हुए ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। मस्त प्लान है। तो चलो कैमरामैन जरा ध्यान, यहाँ पे भागना भी पड़ सकता है, अगर वो जानवर जाग गया तो भाई हमारा शिकार कर जाएगा वो। तो गाइस इस खाई में था वो जानवर सोया हुआ था कल, तो भी मैं देखता हूँ वहाँ पे आगे जाके। भाई मैं तो खाई में गिर गया हूँ। ओ ओ भाई मेरी जान बच गई आज, मैं तो ऊपर से खाई में गिर गया। कहा अच्छा हुआ कि वो जानवर यहाँ पे नहीं था, नहीं तो वो मेरा शिकार कर जाता आज। तो भाई जान बच गई। कैमरामैन तू भी यार क्या करता है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गिरा दे यार तूने मेरे को, अब मेरे को पुराना पड़ेगा। कैमरामैन यहाँ पे दिखाओ कि कैसी गुफा बनाई हुई है उस जानवर ने अपने सोने के लिए यहाँ पे। तो दोस्तों वो जानवर यहाँ पे सोता है आराम से, और अपना शिकार लेके भी यहीं पे आ जाता है और झूठ बोल रहा है, यहाँ पे खाता है वो आराम से बैठ के, और रात को भी यहीं पे सोता है। अभी वो लगता है मेरे को किसी दूसरे शिकार में किसी दूसरी जगह पे चला गया होगा, तो अभी मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। तो मैं आगे चलता हूँ, अगर वो कोई जानवर मुझे वहाँ पे दिखाई दे दिया तो मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो दोस्तों इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इस जंगल में एक ऐसा
फूल पाया जाता है जिसे सूंघने से हम बेहोश हो जाते हैं। अभी मैं देखता हूँ ये कौन सा फूल है, देख सकते हो आप। समझ रहे हो? अरे भाई क्या हुआ आपको? भाई तूने बताया नहीं ये कौन सा फूल है भाई, ये तो मेरे को भाई लगता है बेहोश होने वाला, लगता है मैं बेहोश हो रहा हूँ। तो भाई हम तो पानी भी नहीं ले आए साथ में, ये देखो यहाँ पे बेहोश हो चुका है, अब पता नहीं कब आएगा इसको होश। तो मैं पानी का इंतजाम करता हूँ, तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये होश में आएगा या नहीं। ओ भाई मैं कहाँ सो गया हूँ, कैमरा मैन तूने उठाया नहीं मेरे को, ये बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने तो आपको उठाने की कोशिश की हुई थी लेकिन आप बेहोश हो गए थे। मैं कब से सोया हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे लगभग एक घंटा हो गया आपको, मैं पानी की तलाश में गया था यहाँ तो मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। तो भाई तूने मुझे जगाया भी नहीं, यहाँ पे कोई जंगली जानवर भी हो सकता था, वो तो मेरा शिकार कर सकता था। नहीं मैं यहीं बैठा हुआ था, मैंने सोचा कब तक होश आएगा आपको। चलो कोई नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ अब इस जंगल में और कठिन चुनौतियों का सामना करूंगा आगे जाके, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो गाइस यहाँ ऊपर से कुछ आवाजें आ रही हैं, तो मैं वहां जाके देखूंगा कि क्या है वहां पे। एक तो भाई यहाँ पे घूम रहे हैं बहुत ज्यादा, वो कपड़ों को खराब कर रहे हैं। भाई तूने डरा दिया मेरे को आवाज दे करके, मैंने भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सोचा पता नहीं कोई जंगली जानवर आ गया। यार मेरा पांव फिसल गया था यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मेरे को कुछ आवाज़ें आ रही हैं, अभी मैं इसके अंदर देखूंगा जाके कि वहाँ पे क्या है। और कैमरामैन तू भी अपने जूतों के लेस बांध ले भाई। आए, आए। किस लिए? भाई अगर कोई बड़ा जानवर हुआ तो भाई हमें यहाँ से भागना भी पड़ेगा ना। तो इसलिए अगर तेरे लेस बंधे होंगे तो अच्छी तरह भाग पाएगा, नहीं तो तू फिर इसी जंगल में गिरेगा और तेरा शिकार हो जाएगा। मैं तो भाई भाग जाऊंगा अकेले, मैं नहीं आऊंगा तेरे को बचाने। तो कोई नहीं, मैं जूते छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। तेरे पास कोई और रास्ता है? भाग के भाई के बाद अरे भाई जल्दी जल्दी चल, क्या कर रहा है तुम? भाई क्या बोला तूने? जान प्यारी है मेरे को, समझ रहे हो? समझ रहे हो? आ जाएगा वो जान। अरे क्या हुआ? भाग रहा है जानवर है भाई, बहुत बड़ा। अरे क्यों भाग रहा है, यहाँ पे तो लोमड़ियाँ थी। मैंने देखा वहाँ पे बड़ा जानवर था। अरे भाई तू ऐसे ही डर गया,
क्या था वहाँ पे? लोमड़ियाँ थी वहाँ पे। यहाँ पे पशु मारा हुआ था, एक उसको खा रही थी वो। ओ भाई मैं तो ऐसे डर गया, मेरे अभी भी दिल में धक 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 के खोरी है जोर जोर से। मेरा दिल वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर है यार, मैं तो डर के मारे भाग गया। मैंने तो अभी घर पे रुकना था पर तूने बता दिया मेरे को, मैं इतना डर गया था मैंने तो सीधे घर को लगाई थी अभी दौड़। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी घनी झाड़ियाँ भी है और हमको यहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। तो कृपया हमारी वीडियो को पूरा पूरा देखा करें और हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाके देंगे। तो दोस्तों अभी तक मुझे ऐसा कोई खतरनाक जानवर दिखाई नहीं दिया है जिससे हमारी जान को खतरा हो उस जंगल में। तो भाई मुझे अभी तो वो मैं गया था देखने के लिए, मैंने सोचा वहाँ पे कोई बड़ा जानवर होगा तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, पर वहाँ पे एक लोमड़ी थी और भाई मैं डर गया उनको देख के। मैंने सोचा कि जानवर है कोई बड़ा और मैं वहाँ से भाग गया और वो लोमड़ियाँ जो है वो भी वहाँ से भाग गई हैं।